हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया बोटिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है और साथ में स्वागत है भारत के सभी शेफर्ड कम्युनिटी का और साथ ही साथ उन सभी लोगों का जो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के द्वारा या राजनीति के द्वारा या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आके, पुलिस सर्विस में आके, जिस प्रकार से भी हैं आप समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा और कहूँगा कि सभी लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस तरक्की करें। तो फ्रेंड देखिए, ये हरिद्वार है, तो हरिद्वार जैसा कि आप जानते हैं मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड में जो सबसे फेमस जो आपके ज़िले हैं उनमें से हरिद्वार और देहरादून एक हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादातर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं इन दो ज़िलों से ही होती हैं और ये दोनों ज़िले जो हैं प्लेन्स पर आते हैं। तो फ्रेंड आज मैं हरिद्वार की बात करूंगा। तो फ्रेंड देखिए, हरिद्वार में आप जानते हैं कि जो धर्म की नगरी है और हरिद्वार में जो है वो कुंभ का मेला लगता है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसने जो है समाज का नाम रोशन कर रखा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज को यहाँ पर हमें तरक्की देती हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहले हम देख लेते हैं पाल क्षत्रिय धर्मशाला, पाल समाज धर्मशाला। फ्रेंड देखिए, ये पाल समाज की जो धर्मशाला है वो इस जगह पर है। तो फ्रेंड ये आपका पाल ट्रस्ट, धर्मांत ट्रस्ट है। तो इसके पहले कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, फ़ोटोज़ हैं जो यहाँ से लिए गए हैं, पाल समाज धर्मांत ट्रस्ट। ये फ्रेंड एक तरीके से फाइव स्टार टाइप की आपकी एक लग्जरियस आपकी धर्मशाला है और काफ़ी अच्छे से है। फ्रेंड एल शेप में है, यानी दो तरफ से रास्ता है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, काफ़ी लंबे चौड़े रास्ते पर है ये। और फ्रेंड देखिए, आसपास का नज़ारा भी देखिए, यहाँ से आसपास को आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे, आपको दिख रहे होंगे पीछे पहाड़ भी हैं। तो काफ़ी एक अच्छी लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर है ये धर्मशाला। चाहे लेट लतीफ़ी बनी लेकिन बन गई फ्रेंड, काफ़ी अच्छी बात है। ये पाल समाज धर्मांत ट्रस्ट समथिंग ये कुछ दिया हुआ है, कुछ फ्रेंड डिटेल है। 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो फ्रेंड ये तो है आपकी धर्मशाला। फ्रेंड एक आ शायद किसी ने वीडियो भी डाल रखी हो तो देखेंगे। तो फ्रेंड ये धर्मशाला थी, अब इसको देख लेते हैं फ्रेंड, 3D व्यू देख लेते हैं इसका। तो फ्रेंड देखिए, ये धर्मशाला है, आप इसको देख सकते हैं 3D में, आपको दिखा रहा हूँ गूगल मैप के द्वारा। पाल समाज इस तरीके से लिखा हुआ है इस पर, पाल समाज धर्मांत ट्रस्ट रजिस्टर्ड। ये DG वगैरह सेट रखा हुआ है, यानी जनरेटर वगैरह रखा हुआ है और इस एरिया में ज़्यादातर धर्मशाला है। आप देख सकते हैं रूम्स में ACs वगैरह लगे हुए हैं। और फ्रेंड देखिए, ये इसके आसपास की सराउंडिंग का आपको एक नज़ारा है। तो फ्रेंड ये तो है आपकी पाल समाज धर्मांत ट्रस्ट। और फ्रेंड ये काफ़ी लेट लगी बनी लेकिन यहाँ पर फ्रेंड बन गई है, अच्छी बात है। दो तरफ से रास्ता है और फ्रेंड काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है। शायद किसी और लोगों का प्लॉट है, कोई और धर्मशाला वगैरह का होगा। तो फ्रेंड ये है आपकी पाल समाज धर्मशाला, ये आपकी 4 मंजिल वगैरह बनी हुई है। दूसरी देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक गडरिया कम्युनिटी का काफ़ी फेमस गांव है मोहनपुर, तो उसमें देवी अहिल्या बाई होलकर का द्वार बना हुआ है। देखिए ये आपका देवी अहिल्याबाई होलकर चौक, यहाँ पाल जलेबी सेंटर है, देवी अहिल्याबाई द्वार, इन तीनों को दिखाऊंगा फ्रेंड मैं आपको। तो फ्रेंड पहले देख लेते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर चौक। तो देखिए फ्रेंड, ये देवी अहिल्याबाई होलकर चौक है और ये दिल्ली रोड है जो हरिद्वार से दिल्ली आती है।
भैया फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे आपको एक द्वार बना हुआ दिखाई देगा, देवी अहिल्याबाई होलकर द्वार और मोहनपुरा रुड़की समथिंग ये है इसका जो भी नाम है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद देखिए ये अहिल्याबाई होलकर द्वार है, इसको भी पास से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड ये है देवी अहिल्याबाई होलकर द्वार मोहनपुरा रुड़की। ये थोड़ा क्लियर आ रहा है फ्रेंड। तो ये द्वार बना हुआ है फ्रेंड, ये उत्तराखंड का पहला द्वार है पूरे राज्य का, जो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है, किसी शेफर्ड कॉम्युनिटी के नाम पर है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये यहाँ पर द्वार है, ये मैंने आपको दिखा दिया है फ्रेंड। इसको एक बार मैं आपको 3D में और दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड ये है परम पूज्य है, देखिए ये इनका जन्म तिथि है 31/5/1925 और इनकी पुण्यतिथि है 17/8/1995 मोहनपुरा रुड़की अहिल्याबाई होलकर द्वार। और फ्रेंड देखिए कितने बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, ये स्टील के वर्डों से लिखा हुआ है। और फ्रेंड इस जो मोहनपुरा है गडरियाओ का ही गांव है और इसके अंदर अब ये नगर निगम में आ गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर 3 पार्षद जो हैं वो अपने ही शेफर्ड कम्युनिटी के हैं, इस समय 3 पार्षद चुने जाते हैं अलग अलग वार्ड से, तो 3 इसमें फ्रेंड शेफर्ड कम्युनिटी के हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है फ्रेंड। 2 चीज़ मैंने आपको ये दिखा दी हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इन्होंने कुछ लोगों ने एक चीज़ और है यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर कुछ ट्रस्ट वगैरह या समथिंग कुछ और चीज़ और लिखी हुई है, वो चलो जब कभी दिखाई देगी उसको दिखाएंगे। ये मैं हरिद्वार ज़िले का दिखा रहा हूँ फ्रेंड आपको। ये फ्रेंड ये रुड़की है, अभी एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर द्वार, ये तो सेकंड फ्रेंड ये वही खुल गया पुराना, रोशनाबाद जगह पड़ती है, तो फ्रेंड रोशनाबाद में है ये। सेकेंड फ्रेंड थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको दिखा कर ही छोड़ूंगा। रोशनाबाद ये आ गया, फ्रेंड थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, पर फ्रेंड देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि समाज के लोग से आप जुड़ें, देखें लोगों को। ये है फ्रेंड लोक माता अहिल्याबाई होलकर झंडा चौक, ठीक है फ्रेंड इसको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये है लोक माता अहिल्याबाई झंडा चौक, ठीक है फ्रेंड। ये रोशनाबाद में है, रोशनाबाद में इस समय अपना ग्राम प्रधान भी है और साथ ही साथ अपना जिला पंचायत सदस्य भी है फ्रेंड, शायद यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड ये देखिए ये 3D में आपको दिखा दिया है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा देखिए फ्रेंड एक यहाँ पर शोरूम है अपनी कम्युनिटी का, पाल ई बाइक। टाइम लग सकता है,
ये है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, ये पाल ऑटोमोबाइल्स है, ये ई व्हीकल जो है फ्रेंड उसकी बिक्री करते हैं, शोरूम है। और ये उत्तराखंड का फ्रेंड पहला शेफर्ड कॉम्पिटी का किसी व्हीकल का शोरूम है, ठीक है। ये देखिए, ये सुपर टेक करके कोई कंपनी है जो ऑटोमोबाइल बनाती है इलेक्ट्रिक वाले, तो उसकी एजेंसी है फ्रेंड, दे पाल ऑटोमोबाइल्स के नाम से है। और साथ ही साथ शायद इन लोगों का फ्रेंड पाल प्रॉपर्टीज़ के नाम से इनका फ्रेंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह से भी रिलेटेड काम है, तो काफ़ी खुशी की बात है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें थी, ये इमली खेड़ा कोई गांव पड़ता है फ्रेंड, वहाँ पर है ये शोरूम। और हो सकता है फ्रेंड तो फ्रेंड ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे शेफर्ड कम्युनिटी की जो हरिद्वार जिले में प्रोग्रेस में। और भी हैं फ्रेंड कुछ चीज़ें दिखाने लायक, अभी फ्रेंड कुछ मेरी जानकारी में भी नहीं है या मैं भूल गया हूँ। अगर कोई नई चीज़ आती है तो फ्रेंड आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।